हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास वन की कार्य पुस्तिका बुक करेंगे। इसमें बच्चों दूर और पास, आज आप दूर और पास का ज्ञान जानेंगे। दूर मतलब आप लोग जानते हो, कोई चीज़ दूर है तो उसको दूर कहेंगे, और कोई चीज़ आपके बिल्कुल पास है तो उसको पास कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है। तो आप चित्र के माध्यम से बच्चों समझेंगे कि कोई चीज़ दूर को किस तरीके उसको हम लोग समझेंगे और पास को भी समझेंगे। स्कूल से दूर वाले बच्चे पर सही का निशान लगाओ। तो देखो बच्चों, ये दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक ये लड़का, और ये स्कूल है। तो ये बच्चे, ये जो लड़की है, ये स्कूल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, तो ये स्कूल के पास में है, और ये लड़का अभी दूर है स्कूल से। तो स्कूल से दूर वाले बच्चे पर सही का निशान लगाओ। देखो सवाल बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना। स्कूल से दूर वाले बच्चे पर सही का निशान लगाओ। तो जो दूर वाला बच्चा है, तो दूर वाला बच्चा तो ये लड़का है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाना, ये तो लगा ही है बच्चों। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। समाप्त रेखा से पास वाले पर क्रॉस और दूर वाले पर सही का निशान लगाओ। तो देखो समाप्त रेखा से पास वाले पर, देखो ये देखो बच्चों, ये दौड़ हो रही है। कछुआ खरगोश की कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी बचपन में, कि एक कछुआ था, खरगोश था। जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश करते हुए वो उसने ये जो रेस थी, दौड़ थी, उसको जीत लिया था। तो ये देखो बच्चों, ये समाप्त लाइन है, ये यहाँ बिल्कुल पहुँचने वाला। और खरगोश बेचारा सो गया था, उसने कहा हम तो बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, तो हम तो बहुत जल्दी दौड़ के पहुँच जाएंगे, चलो थोड़ी देर सो लें। लेकिन वो तो सोता ही रह गया, और कछुआ ने बिल्कुल आराम नहीं किया बच्चों। वो लगातार धीरे धीरे लगा रहा, और वो जीत गया था ये दौड़। तो बच्चों ये कहानी आपको मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी जो मैंने सुनाई। तो वह इस चित्र में देखो, कछुआ पास है ना, तो समाप्त रेखा से पास वाले पर क्रॉस, तो इस पे क्या लगाना है बच्चों, क्रॉस। तो इस पे क्रॉस बना दो, इसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और ये देखो खरगोश पे कैसा चिन्ह, दूर वाले पर टिक का निशान, इसे टिक का निशान कहेंगे। लगा दिया बच्चों, बस यही आपका था। तो ये पेज आपका बच्चों 7 था कार्य पुस्तिका का। इसे अपनी बुक में भर लीजिएगा और अब इसको समझ भी लीजिएगा बच्चों। नाउ कमिंग टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी देर आर टू स्टूडेंट्स नियर द स्कूल, बट अमंग देम गर्ल इज वेरी नियर टू द स्कूल, बट द बॉय इज फार। सो दूर मीन्स फार, फार एंड नियर। सो टुडे यू विल गेट नॉलेज अबाउट फार एंड नियर। सो एनी पर्सन हु इज फार मीन्स ही इज एट डिस्टेंस, एंड द पर्सन हु इज नियर मीन्स क्लोज, इट्स कॉल्ड नियर। सो दिस गर्ल इज वेरी क्लोज टू द स्कूल, सो शी इज नियर द स्कूल। बॉय इज फार फ्रॉम द स्कूल। सो हियर क्वेश्चन इज आस्क दैट द स्टूडेंट हु इज फार फ्रॉम द स्कूल, सो दिस बॉय, सो यू हैव टू पुट द टिक मार्क देयर, पुट द टिक मार्क हियर, ओके। नाउ फिनिशिंग लाइन, यू हैव टू पुट द क्रॉस मार्क ऑन द एनिमल विच इज क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, एंड टिक ऑन द एनिमल विच इज फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। सो टॉर्टॉइज इज वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, सो यू पुट द क्रॉस हियर। फॉर रैबिट इट इज फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, सो यू पुट द टिक मार्क हियर। सो आई थिंक चिल्ड्रेन यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फार एंड हियर। सो थैंक यू।